गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा घर पर बैठकर टीवी देख रही थी, इतने में उसका फोन बजा। अरे इस वक्त फोन कौन कर रहा है, ऐसा सोचते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। इधर फोन पर उसके बचपन की दोस्त लावण्या थी। मंगा, मैं बोल रही हूँ, लावण्या। अरे लावण्या, तू कितने साल हो गए तुझसे बात किए हुए, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, इस महीने 20 तारीख को मेरी शादी है, तुझे जरूर आना होगा। बचपन में तेरी नाक हमेशा बहती रहती थी, वैसे तुझसे शादी कौन करने वाला है? अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमें स्टाइल मारना आ गया है, वरना जानती नहीं कि हम लोग कैसे रहते थे। हाँ, अब इन सब बातों का क्या फायदा। चल छोड़ इन बातों को, याद रखना शादी पर जरूर आना है तुझे। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, खाली हाथ मत आना। याद है बचपन में तू मेहंदी कितने अच्छे तरह लगाती थी, इस बार भी मेरे हाथों में तुझे ही मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? हाँ ठीक है, ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया। अभी जाकर सासू माँ को ये बात बताकर परमिशन लेनी होगी। इस तरह सोचते हुए वो गंगा के पास आकर बोली, सासू माँ 20 तारीख को मेरे दोस्त की शादी है, मुझे जाना होगा। 20 तारीख को? इसका मतलब अभी सिर्फ 3 दिन ही बाकी है। हाँ सासू माँ, वो मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, मुझे जाना होगा सासू माँ। हाँ हाँ ठीक है, चली जाना। मंगा ने हाँ बोलकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। मुझे सारे इंतजाम जल्दी जल्दी करने होंगे, उसने तो मेहंदी के बारे में बोला था ना, ढूंढना पड़ेगा अब ये मेहंदी यहाँ कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचते हुए वो मेहंदी के लिए पूरे गांव में घूमती है, उसे कहीं नहीं दिखाई देता। निराश होकर घर आकर अपने सास के सामने खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तो तू बहुत खुश थी कि तुझे शादी पे जाना है, लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? वो दरअसल सासू माँ, मेहंदी के लिए मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया, एक मेहंदी का पेड़ भी नहीं दिखाई दिया, अब मुझे मेहंदी के पत्ते मिलेंगे कहाँ से? हो बस इतनी सी बात के लिए तूने अपना चेहरा लटका लिया, मेहंदी नहीं मिली तो क्या हुआ, ऐसे ही चले जाना। नहीं नहीं सासू माँ, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ, दुल्हन ने भी मुझसे फोन पे यही बोला था कि शादी पे उसके हाथ पर मेहंदी मुझे ही लगानी होगी। अच्छा तो तू अपने दोस्त को बोलना कि उसके घर के पास कहीं मेहंदी मिल जाए। ये बात नहीं है सासू माँ, मैं उस मेहंदी को बहुत स्पेशल तरीके से तैयार करती हूँ, मैं उस मेहंदी को तभी का तभी नहीं लगा सकती। छी, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस तरह मंगा दुखी हो रही थी। ठीक है तू ज्यादा दुखी मत हो, मेरे पास एक मेहंदी का पेड़ है, तू उससे अपने दोस्तों को मेहंदी लगा देना। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर जाकर एक छोटे से मेहंदी के पेड़ को लाकर बाहर आती है। oh, no. ये क्या सासू माँ, मेहंदी का पेड़ बोलकर ये कुछ और पेड़ लेकर आ गई? अरे यही मेहंदी का पेड़ है। ये और मेहंदी का पेड़, इसके सारे पत्ते तोड़कर अगर मैं मेहंदी लगाऊंगी भी तो मेरी एक उंगली भी काफी नहीं होगी। अच्छा ये बात है, तो एक पत्ता तोड़कर तो देख। ये बात सुनते ही मंगा ने उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ा। देखते ही देखते जहाँ मंगा ने एक पत्ता तोड़ा था वहीं दूसरा पत्ता निकल गया। ये देखकर मंगा दंग रह गई। अरे ये क्या सासू माँ, जहाँ मैंने एक पत्ता तोड़ा वहाँ एक और पत्ता निकल गया। हाँ बहू, ये मैजिकल मेहंदी का पेड़ है, अब जरा उन पत्तों को किसी बर्तन में डालकर तो देख। मंगा ने भी हाँ बोलकर उस पत्ते को एक बाउल में डाला। जैसे ही उसने एक पत्ता उस बाउल में डाला, वो बाउल मेहंदी के पत्तों से भर गया। अरे सासू माँ, ये तो सचमुच मैजिकल मेहंदी का पेड़ है, इधर दीजिए तो, इससे तो सिर्फ दुल्हन को ही नहीं शादी में आए सब लोगों को मेहंदी लगा सकती हूँ मैं। ऐसा बोलकर वो उस मेहंदी के पेड़ को लेकर अपने कमरे में चली गई। 20 तारीख आ गई, मंगा अपने दोस्त की शादी में जाकर अपने दोस्त के साथ साथ अपनी बाकी सहेलियों को भी मेहंदी लगाकर खूब एंजॉय कर घर वापस आ जाती है। आ गई, कैसी थी शादी? शादी बहुत अच्छी थी सासू माँ, जितने भी लोग शादी में आए थे सबको मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाई। अच्छा ठीक है,
जरा वो पेड़ कहाँ है? अच्छा वो पेड़, वो मेरी मौसी की बेटी लेकर गई सासू माँ, उसने कहा कि वो एक हफ्ते में लौटा देगी। कोई बात नहीं, रहने दे। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मंगा अपने कमरे में आकर अपना बैग खोलकर उसमें से उस मैजिकल मेहंदी के पेड़ को बाहर निकालती है। जानती है मैंने ये झूठ क्यों बोला कि तुझे मेरी बहन लेकर गई है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुझसे मैं तरह तरह के मेहंदी बनाकर मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमाऊँ। मैं कल ही से इस काम में जुड़ जाऊंगी। वो उस रात बड़े चैन से सो जाती है। सुबह उठकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी सास गंगा से छुपाकर वो तरह तरह के मेहंदी तैयार करके उन्हें बेचने लगी। जितने भी लोगों ने उस मेहंदी को खरीदा वो लोग बहुत खुश थे कि वो बहुत अच्छे से रच रहा था और रंग भी बहुत अच्छा निखर रहा था। एक दिन इस मेहंदी से लोग जहाँ जहाँ मेहंदी लगाते हैं उनका हाथ निखर जाना चाहिए। अब मुझे तरह तरह के और पत्ते मिलाकर नया ट्राई करना होगा। इस तरह मन में सोचकर बाकी की कई तरह के पत्ते भी मेहंदी के पत्तों के साथ मिलाकर कुछ नया करना शुरू करती है। अरे ये भी सुपर सक्सेस हो गया, अब इसे और बेहतर करना होगा। उसमें रास्ते में दिखे हर पत्ते को लेकर अपने मेहंदी के पत्तों के साथ मिलाकर एक नया कुछ बना दिया और गांव में सबको बेच दिया। एक छोटे से पेड़ से मुझे इतनी ज्यादा कमाई हुई है, मेरी सास में बिल्कुल भी अकल नहीं है। पैसे देने वाले पेड़ को घर पर रखकर छुपा कर रखा था उसने और अपने सारे कमाए हुए पैसों को देखकर खुश होते जा रही थी। इतने में जितने भी लोगों ने मंगा से मेहंदी खरीदी थी वो सारी औरतें उसके घर के सामने आकर, अरे अरे क्या हुआ, क्या बात है? पूछ रही हो क्या बात है? आपकी बहू ने हमें मेहंदी बोलकर उसमें खुजली का पाउडर डाल के दे दिया है। उस मेहंदी को लगाने की वजह से देखो हमारे हाथ में कैसे फोड़े हो गए हैं। इस तरह सब लोग अपने हाथों पर खुजलाते हुए गंगा को दिखाते हैं। ये देखकर गंगा के समझ में आ गया कि क्या हुआ है। गंगा सब लोगों को उनके फोड़े कम करने के लिए दवाई देकर उनसे माफी मांगकर उन्हें भेज देती है। इधर दरवाजे के आड़े चुपचाप खड़ी मंगा डर रही थी कि उसकी सास उसे क्या बोलेगी। अच्छा तो तूने मुझसे झूठ बोलकर कि मेहंदी का पेड़ तेरी बहन के पास है, तूने ये सब कारनामा किया है यहाँ? छी छी, कितने बार भी समझाऊं तेरी बुद्धि नहीं बदलती। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने उतनी दूर की नहीं सोची थी। पहले जाकर वो पौधा लेकर आ, अगली बार तूने ऐसी बचकानी हरकतें की ना तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगी, समझ गई? इस तरह डांटकर गंगा मंगा से वो मैजिकल मेहंदी का पेड़ ले लेती है। और इधर मंगा जो हुआ सो हुआ, किसी तरह उसकी जान बच गई ये सोचते हुए। दिन मंगा बारिश में भीगती हुई मार्केट से घर पहुंची। ज्यादा भीग जाने की वजह से वो छींकने लगी। उसे देखकर गंगा ने कहा, ये क्या, छाता लेके गई थी फिर भी भीगते हुए आई हो? तब मंगा ने कहा, दरअसल सासू माँ वो छाता ना हवा में उड़ गया और इस थैली की वजह से मैं संभाल नहीं पाई। ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हें अभी एक रेनकोट देती हूँ। कहती हुई अंदर जाती है और अपने पुराने बक्से से एक रेनकोट निकालती है। थोड़ी देर के बाद मंगा को आंगन में सारी चीजें अपने आप उड़ती हुई दिखने लगी। इतने में उसे अपनी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। अरे क्यों री, ऐसे क्यों घूर रही हो? बिना इंसान के दिखे सिर्फ आवाज सुनाई देने से मंगा दंग रह गई। आखिर में रेनकोट निकालती हुई गंगा वहाँ उसके सामने आई। अपनी सास को देखकर मंगा चौंक गई। वाह ये कैसा जादू है सासू माँ, आप तो अचानक साक्षात हवा में से टपक पड़ी। ये तो मेरे मैजिक रेनकोट का कमाल है, इसे जो भी पहनेगा उस पे बारिश गिरना तो छोड़ दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा। पर सासू माँ अगर मेरे ड्रेस से मैचिंग वाली रेनकोट देती ना तो ज्यादा मजा आता। बहू की बात सुनकर गंगा ने अपने आप से कहा,
हाय रे मेरी बहू। अगले दिन मंगा उस मैजिक रेनकोट को पहनकर खुशी खुशी घर से निकलती है। सबसे पहले सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे फल सब्जी लेती है। बिना किसी इंसान को दिखे हवा में उड़ते हुए उन फल सब्जी को देखकर सब लोग डर गए। उनको और डराते हुए मंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह सुनकर सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। यह सब देखकर मंगा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन मौसम साफ था, फिर भी मंगा रेनकोट पहनकर बाहर निकल ही रही थी। इतने में गंगा ने उसे देख लिया। ये क्या, बिना बारिश के ये रेनकोट पहन के जा रही है? मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला काम कर रही है। मैजिक रेनकोट पहनकर मंगा पहले एक आइसक्रीम की दुकान में घुस गई। वहाँ से फ्रिज ओपन करके अपनी मनपसंद चोकोबार आइसक्रीम निकालकर खा रही थी। बिना कोई दिखे आइसक्रीम अपने